हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हालासिन डिस्ट्रिक्ट मटियारी के डिप्टी डायरेक्टर मैनेजमेंट वाटर कोर्स रियाज हुसैन शाह से खसूसी गुफ्तगु। हमने जानने की कोशिश की फसलें तबाह होने की मेन वजह क्या है। डिप्टी डायरेक्टर रियाज हुसैन शाह ने बताया कि मेन वजह फसल तबाहकारी की पानी है, पानी का ज़रूरत से ज़्यादा मिलना या बेतरतीब मिलना। इसी वजह से लायामल लिया गया है, वाटर कोर्स बनाई जा रही है और काफ़ी काम हो चुका है। अब खेत और बागात महफूज हो रहे हैं और इससे सिर्फ सिंध को ही नहीं पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और डिप्टी डायरेक्टर वाटर कोर्स रियाज हुसैन शाह ने कहा कि आइए जानते हैं कबीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट रियाज हुसैन शाह ठीक है यहाँ मौजूद है इस वक्त और ये हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे पास मौजूद है। तो आइए हम बात करते हैं रियाज हुसैन शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे कि हमने सुना है कि कुछ कच्चा है कुछ पक्का है। हाँ तो ये आप हमें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध माना जो ना ये वाटर कोर्स पक्के करने का प्रोग्राम 2005 से माना स्टार्ट हुआ था। ये सदर मुशरफ परवेज ने माना जो ना ये स्टार्ट किया था। तो इनमें से माना जो ना टोटल माना जो ना 33,000 वाटर कोर्स थे। 33,000 पूरी सिंध में जो हमने माना पूरे बनाए हैं 2005 से अभी तक माना जो ना 33,000 वाटर कोर्स बन गए हैं। और दूसरे मरहले में भी काम स्टार्ट हो रहा है। वो प्रोजेक्ट जो है ना वो स्यापे वाटर कोर्स प्रोजेक्ट था, उस पर काम चल रहा है। और ये थोड़ा माना आप ये थोड़ा दिखाएंगे वाटर कोर्स ऐसे ही हमारे बनते हैं जी। तो इनमें से माना जो है ना पानी जो है ना पानी की बचत होती है जी। हाँ बहुत ज़्यादा बचत होती है कच्चे के नस्बत से, क्योंकि कच्चे में तो एक तो पानी जो है ना ऐसे ऐसे बह जाता है और इसमें ये इसका माना बहने का कोई अंदेशा नहीं है। तो इतने अरसे में पानी के कुछ मिसाइल हुए आपके अंदर में? बिल्कुल बहुत फ़र्क हो गया है, क्योंकि एक ज़मींदार की माना जो एक ज़मींदार से मैंने पूछा कि भाई माना आपको बताएं माना जो कहना कितना फ़र्क हुआ है। पहले माना जो कहना मेरे 10 एकड़ माना जो कहना पानी में माना होते थे, अभी जो ना मेरे 15 एकड़ हो रहे हैं। तो यही फ़र्क माना जो है ना पूरी सिंध में माना ऐसे हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माना जो है ना बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरी कोशिश है इसी ज़िले में के मटियारी के लिए तो माना जो है ना ये मेरे पूरे वाटर कोर्स जो है ना मेरे पूरे सिंध में बन जाए। सही। अच्छा इस पूरे सिंध में आपकी पहुँच कहाँ तक है? मेरी जो है मेरा डिस्ट्रिक्ट मटियारी। हाँ सिर्फ मैं डिस्ट्रिक्ट मटियारी पे काम करता हूँ और मैं कोशिश माना मैंने बहुत ज़्यादा की है जो मटियारी में माना जो है ना ऐसे ऐसे वाटर कोर्स में ज़मींदारों से मिलता हूँ और ज़मींदारों को माना जो है ना उसके वो बताता हूँ कि भाई ये करो इसमें आपका फ़ायदा है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जी नारायण, आपने देखा हमारी बात भी तकरीबन यानी कि 2005 से लेकर आज तक मेहनत करते चले आ रहे हैं और जो पानी के मसले मसाइल हैं यहाँ पर दरख्तों के लिए हैं खेत के लिए वो हल होते चले जा रहे हैं सिंध के अंदर और बहुत बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। मसलन और मज़ीद अगर ये किसी यानी किसी हुकूमत से कुछ चाहते तो वो भी हमें बताएंगे। वैसे तो खुद डिप्टी डायरेक्टर हैं हालांकि मटियारी में, तो अब हम इनसे पूछेंगे ये मज़ीद और क्या चाहेंगे। मैं अपने माना जो कहना ये ज़मींदारों को इस आपके चैनल से माना उसको माना ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा इसी में हम माना जो कहना हमारे डिपार्टमेंट से वो मिले और ये वाटर कोर्स इसको माना जो कहना अपने नहरें पक्के कराएं, वाटर कोर्स पक्के कराएं। बस ये छोटी सी इल्तिजा है, छोटी सी ये है कि वाटर कोर्स जो है इसको रिपेयर कराना है या कुछ करना है तो इनका साथ दें और इसमें हमारी सिंध की आवाम जो परेशान है पानी की वजह से वो हल हुआ। हम आपको दिखाएं एक लाइन जो बिल्कुल सूखी पड़ी है, आप ये देखें चला गया ना, ये बनाना चाहिए
ये लाइन सूखी पड़ी है, आप इसको देखें। अब इसके अलावा जो लाइन बन चुकी है और वहाँ पर आप देखेंगे कि बागात अच्छा होता चला जा रहा है, हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये देखिए आप, हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि बागात कितने अच्छे हो गए और कितना अच्छा वर्क हो रहा है, और ये वर्क होना चाहिए और होता रहना चाहिए। और ये हमारी आवाम के लिए, ये सिर्फ सिंध के लिए नहीं है, ये पूरे पूरे पाकिस्तान के लिए ये वर्कर है, ये वर्क है, और इसको करते रहना चाहिए। हमें बहुत खुशी हुई रियाज हुसैन शाह से मिलकर। आवाज़ आ रही है, हाँ, और रिकॉर्डिंग हो रही है, रेड लाइट जल रही है, रेड बस ठीक है, ऑन है। जी नाज़रीन, हम यहाँ पर किसानों से बात करते हैं कि उनको कैसा लग रहा है जब से रियाज हुसैन शाह डिप्टी डायरेक्टर बने वाटर कोर्स के। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, आप यहाँ का क्या हाल है? बाबा बिल्कुल ठीक है। तो मैं हारी हूँ, मैं हारी हूँ। हारी हैं? हाँ। और ये कणक की और कपास, कपास का हारी, कणक और कपास के हारी हैं। तो किसकी वजह से ये सब कुछ अच्छा चल रहा है माशाल्लाह? ये पक्के रास्ते से, पक्के रास्ते, हाँ, से पक्का रोड ये बना तो फर्स्ट क्लास हुआ, और कच्चा अंजा पड़ा पे है। तो किसने बनवाया ये पक्का रोड? रियाज शाह। रियाज शाह साहब ने बनवाया? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। हाँ। ये तो हमें पता ही नहीं था कि ये रियाज शाह साहब ने पक्का रोड भी यहाँ पे लगाया है। तो आप हारियों को सारी फायदा है ना, यही तो फायदा है, नहीं तो पानी तो टूट जाता है। ये देखो ये कच्चा है, हाँ बिल्कुल, इधर टूट जाता है, आगे टूट जाता है, पानी अभी तक इधर तक बना है। जनाब क्या काम हो रहा है यहाँ पर? ये काम जमीन का हो रहा है, हम रियाज शाह के किसान हैं। हाँ, अनाज पते हैं, कपास बहुत अच्छे चल रहा है काम। रियाज शाह की मेहरबानी है कि हम पके वाटर बना देंगे, तो पानी की बचत हुई है, हमें फसल से फ़ायदा हुआ है, इसलिए रियाज शाह का हम दोहराते हैं उसकी किसान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, आपको काम कैसा लगा? साईं का शुक्रिया है जो हमारे ये वाटर बना है, इससे हमारी बनी हो वो ज़्यादा भरती है। तो साईं अल्लाह का शुक्र है साईं, इसके खेती बाड़ी वो ज़्यादा होती है। ये जो है साईं हमारे बनी में कुछ ज़्यादा वाटर मैनेजमेंट बनाएंगे, इससे हमारा फसल जो है अच्छा होता है। सो इससे उपज हमारी जो को ये होती है ना एवरेज, हम जो को कहते हैं मन कती ज्यादा होती है। अब मतलब पानी की वजह से ये पानी की ये काम होती है, ये काम होने की वजह से तो पानी ये काम हुआ है। सो ऐसा अच्छा हुआ है, सो हमारी पानी की बचत होती है, ज्यादा बनी जो को वो भरती है, भरती है सही। हाँ, इसी से साईं का शुक्रिया है। सो साईं वाटर मैनेजमेंट सो ज्यादा थोड़ा आगे हो जाए, आगे से। जी नारायण, तो आपने देखा कि साई का शुक्रिया है, बहुत मैनेजमेंट से ज़्यादा काम हो रहा है और हो जाएगा आगे भी, और इंशाल्लाह इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। आपसे फिर दोबारा मिलेंगे, कैमरामैन यासिन के साथ, मैं कबीर हुसैन, मिशन न्यूज कराची। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।